हरदिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। भारत में 19वीं शती में जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई, उनमें श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के जिला मेदिनीपुर के ग्राम वीर सिंह में हुआ था। धार्मिक परिवार होने के कारण इन्हें अच्छे संस्कार मिले। 9 वर्ष की अवस्था में ही संस्कृत विद्यालय में प्रविष्ट हुए और अगले 13 वर्ष तक वहीं रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः खर्च निकालने के लिए इन्होंने दूसरों के घरों में भोजन बनाया और बर्तन साफ किए। रात में सड़क पर जलने वाले लैंप के नीचे बैठकर ये पढ़ा करते थे। इस कठिन साधना का यह परिणाम हुआ कि इन्हें संस्कृत की प्रतिष्ठित उपाधि विद्यासागर प्राप्त हुई। 1841 में वे कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाने लगे। 1847 में वे संस्कृत महाविद्यालय में सहायक सचिव और फिर प्राचार्य बने। वे शिक्षा के विद्यासागर और स्वभाव से दया के सागर थे। एक बार उन्होंने देखा कि मार्ग में एक वृद्ध और असहाय महिला पड़ी है। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। लोग उसे देखकर मुंह फेर रहे थे, पर ईश्वर चंद्र जी उसे उठाकर घर ले आए, उसकी सेवा की और उसके भावी जीवन का भी प्रबंध किया। ईश्वर चंद्र जी अपनी माता के बड़े भक्त थे। वे उनका आदेश कभी नहीं टालते थे। एक बार उन्हें माँ का पत्र मिला, जिसमें छोटे भाई के विवाह के लिए घर आने का आग्रह किया था। उन दिनों वे कोलकाता के सेंट्रल कॉलेज में प्राचार्य थे। उन्होंने प्रबंधक से अवकाश मांगा, पर उसने मना कर दिया। इस पर ईश्वर चंद्र जी ने अपना त्याग पत्र लिखकर उनके सामने रख दिया। विवश होकर प्रबंधक महोदय को अवकाश स्वीकृत करना पड़ा। जिन दिनों महर्षि दयानंद सरस्वती बंगाल में प्रवास पर थे, तब ईश्वर चंद्र जी ने उनके विचारों को सुना। वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन दिनों बंगाल में विधवा नारियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। बाल विवाह और बीमारी के कारण बाल विधवाओं का शेष जीवन बहुत कष्ट और उपेक्षा से बीतता था। ऐसे में ईश्वर चंद्र जी ने नारी उत्थान के लिए प्रयास करने का संकल्प लिया। उन्होंने धर्म ग्रंथों के द्वारा विधवा विवाह को शास्त्र सम्मत सिद्ध किया। वे पूछते थे कि यदि विदुर पुनर्विवाह कर सकता है तो विधवा क्यों नहीं कर सकती। उनके प्रयास से 26 जुलाई 1856 को विधवा विवाह अधिनियम को गवर्नर जनरल ने स्वीकृति दे दी। उनकी उपस्थिति में 7 दिसंबर 1856 को उनके मित्र राजकृष्ण बनर्जी के घर पर पहला विधवा विवाह संपन्न हुआ। इससे बंगाल के परंपरावादी लोगों में हड़कंप मच गया। ऐसे लोगों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, पर वे शांत भाव से अपने काम में लगे रहे। बंगाल की एक अन्य महान विभूति श्री रामकृष्ण परमहंस भी उनके समर्थकों में थे। ईश्वर चंद्र जी ने स्त्री शिक्षा का भी प्रबल समर्थन किया। उन दिनों बंगाल में राजा राममोहन राय सती प्रथा के विरोध में काम कर रहे थे। ईश्वर चंद्र जी ने उनका भी साथ दिया और फिर इसके निषेध को भी साक्षीय स्वीकृति प्राप्त हुई। नारी शिक्षा और उत्थान के प्रबल पक्षकार श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हृदय रोग से 29 जुलाई 1891 को देहांत हो गया। भारतीय स्त्री समाज उनका चिर ऋणी रहेगा। भारत माता की जय।